Now we will see its exhaust note. Power is also good. तो एक और फीचर जो इसमें है वो है कि साइलेंट स्टार्ट होती है स्कूटी, तो नॉइजलेस स्टार्ट है इसमें, कुछ आपको आवाज़ देखने को नहीं मिलेगी। मुझे तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स है स्कूटी का और काफ़ी रिफाइंड है गाड़ी। हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं होंडा एक्टिवा 125 BS6 को एप्रिलिया SR125 या फिर स्टॉर्म 125। एप्रिलिया के स्कूटर थोड़े कॉस्टली होते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी, पावर, पिकअप एंड राइडिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा होता है। हाल ही में लॉन्च हुई एक्टिवा 125 BS6 के प्राइस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और अब एक्टिवा 125 BS6 की कीमत लगभग एप्रिलिया SR125 के बराबर ही हो गई है। तो चलिए इन दोनों स्कूटर का टेक्निकल कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं और फिर ओवरऑल राइडिंग क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंजन की बात करें तो एक्टिवा 125 BS6 में आपको 124 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक HEP फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन मिल जाता है जो कुछ 8.3 BHP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 6500 RPM और 10.3 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 5000 RPM। वहीं एप्रिलिया SR125 में आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOHC कार्ब्यूरेटेड BS4 इंजन मिलता है जो कुछ 9.6 PHP की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है एट 7250 RPM और 9.9 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एट 6250 RPM। तो यहां आप देख सकते हैं कि एप्रिलिया SR125 का थोड़ा पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा 125 BS6। और दोनों स्कूटर्स में जैसे कि आपको गियर्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें आपको दोनों स्कूटर्स में CVT की टेक्नोलॉजी मिल जाती है। CVT मतलब आपका कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। अब टायर्स और ब्रेक्स की बात करें तो दोनों स्कूटर में आपको आगे और पीछे की तरफ ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। एक्टिवा 125 BS6 में आपको फ्रंट में 90x90 का टायर मिलता है जो कि 12 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होता है और पीछे का जो टायर होता है वो 90x100 का होता है जो कि 10 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होता है। वहीं एप्रिलिया SR125 की हम बात करें तो फ्रंट में आपको 120x70 का टायर मिल जाता है जो कि 14 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होता है और पीछे की तरफ 120x70 का टायर मिल जाता है जो कि 14 इंच के अलॉय व्हील में माउंट होता है। तो टायर्स एंड अलॉय में आप देख सकते हैं कि एप्रिलिया SR125 या फिर स्टॉर्म 125 का टायर काफ़ी मोटा है और इससे आपको राइडिंग स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलता है अगर हम तुलना करें एक्टिवा 125 BS6 से। ब्रेक्स में दोनों स्कूटर्स में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करें तो दोनों स्कूटर्स में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाते हैं और पीछे की तरफ एक्टिवा 125 BS6 में आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है। वहीं SR125 या फिर स्टॉर्म 125 में आपको पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। एप्रिलिया की चाहे SR125 हो या फिर स्टॉर्म 125 हो, यहाँ पर आपको सिर्फ एनालॉग मीटर्स ही देखने को मिलता है, चाहे वो एनालॉग स्पीडोमीटर हो, एनालॉग फ्यूल लेवल मीटर हो, तो यहाँ पर कोई भी आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल नहीं मिलता है। वहीं एक्टिवा 125 BS6 में आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाते हैं। एक्टिवा BS6 के इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर, साइड स्टैंड इंडिकेटर, फ्यूल एफिशिएंसी और भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो होंडा एक्टिवा 125 BS6 में आपको 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, वहीं एप्रिलिया SR125 में आपको 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिवा 125 BS6 का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतर है इंडियन रोड्स के हिसाब से। सीट हाइट की बात करें तो एक्टिवा 125 BS6 में आपको 712 mm का सीट हाइट मिलता है, वहीं एप्रिलिया SR125 में आपको 775 mm का सीट हाइट मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्टिवा 125 शॉर्ट राइडर्स के लिए काफ़ी बेहतर है, वहीं एप्रिलिया SR125 टॉल राइडर्स के लिए ठीक है। फ्यूल टैंक की बात करें तो एक्टिवा 125 BS6 में आपको 5.3 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। एक्टिवा 125 में आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। वहीं एप्रिलिया SR125 की बात करें तो इसमें आपको 6.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और जो इसमें जो फ्यूल इनलेट होता है वो सीट के अंदर ही होता है, तो इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल कैपेसिटी है वो एप्रिलिया SR125 की काफ़ी ज़्यादा है, तो लॉन्ग ड्राइव्स के लिए आप
इस स्कूटर को प्रेफर कर सकते हैं। वेट की बात करें तो एक्टिवा 125 BS6 का वेट है 111 kg, वहीं एप्रिलिया SR125 का वेट है 115 kg। तो यहाँ एप्रिलिया थोड़ा हैवी है, इसी की वजह से इसके माइलेज में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एप्रिलिया का माइलेज थोड़ा कम हो जाता है। अब लाइट्स की बात करें तो एक्टिवा 125 BS6 में आपको जो हेडलाइट मिलती है वो LED मिलती है, वहीं एप्रिलिया में आपको हेलोजन का हेडलाइट मिलता है। तो एक्टिवा उन लोगों के लिए काफ़ी सही है जो रात में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। पीछे के लाइट की बात करें तो एक्टिवा में आपको हेलोजन का टेल लैम्प मिल जाता है, वहीं एप्रिलिया में LED टेल लाइट मिल जाती है। तो ये सब तो इन दोनों स्कूटर्स के टेक्निकल डिफरेंस के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इनके राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस एंड इनिशियल पिकअप। तो दोनों स्कूटर का इंजन एकदम अलग है। एक्टिवा BS6 का इंजन काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी साइलेंट है, वहीं एप्रिलिया SR125 का इंजन थोड़ा सा बल्की है, थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम पिकअप की बात करें तो SR125 का पिकअप थोड़ा सा बेटर है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका पावर फिगर्स थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी की वजह से SR125 का पिकअप थोड़ा बेहतर है। और परफॉर्मेंस की बात करूँ तो दोनों स्कूटर्स का परफॉर्मेंस लगभग 19-20 का ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। थोड़ा सा परफॉर्मेंस मैं बोलूँगा SR125 का थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि सेंस है कि ये BS4 कंप्लाइंट इंजन है, वहीं एक्टिवा 125 BS6 कंप्लाइंट इंजन है, तो इसकी वजह से एक्टिवा का थोड़ा पावर फिगर्स को डाउन कर दिया जाता है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं जो कि है राइडिंग स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट। तो दोनों स्कूटर अपनी अपनी जगह सही हैं। अगर आप एक शॉर्ट राइडर हैं तो आप एक्टिवा BS6 पे आपको राइडिंग स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट काफ़ी बेहतर लगेगा, वहीं आप अगर एक टॉल राइडर हैं तो आपको SR125 या फिर Storm 125 थोड़ा बेहतर लगेगा। पर अगर यहाँ पे आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो SR125 या फिर Storm 125 के जो टायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी वाइड टायर मिल जाते हैं, और जो अलॉयज हैं उनका विड्थ भी काफ़ी बड़ा है, तो इसी की वजह से जो राइडिंग स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट है वो थोड़ा सा बेटर मिलता है आपको SR125 एंड एप्रिलिया के स्कूटर्स में। वहीं एक्टिवा में आप देखेंगे कि थोड़ा सा हाई स्पीड में आपको जो स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट है वो थोड़ा सा कम मिलता है एज कम्पेयर टू SR125। तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है टॉप स्पीड। तो दोनों स्कूटर्स में आपको 80-90 की स्पीड आराम से मिल जाएगी। एप्रिलिया के स्कूटर जैसे कि SR125 या फिर Storm 125 में आपको 98 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड देखने को मिल सकती है, वहीं एक्टिवा 125 BS6 से आपको 90-95 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल सकती है। चौथे और आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है वाइब्रेशंस। तो दोनों स्कूटर्स को अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के अंदर चलाओगे तो आपको कोई भी वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलेगा। एक्टिवा 125 BS6 को अगर आप 80 प्लस स्पीड में भी चलाते हो या फिर 90 प्लस स्पीड में भी चलाते हो तो BS6 आने के बाद इसका जो इंजन रिफाइनमेंट है काफ़ी अच्छा हो गया और बॉडी जो है काफ़ी स्टर्डी हो गई है, तो इसमें आपको बहुत ही कम वाइब्रेशंस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर एप्रिलिया SR125 की बात करें तो आपको इसमें 80 प्लस जाने के बाद हल्के हल्के वाइब्रेशन देखने को मिलते हैं। तो वाइब्रेशन के मामले में एक्टिवा 125 BS6 काफ़ी अच्छा है, इसका जो वाइब्रेशन कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये सब तो इन दोनों स्कूटर्स का राइडिंग एक्सपीरियंस हो गया। अब बात करते हैं माइलेज की। तो अगर आप सेंसिबली राइड करेंगे तो एक्टिवा 125 BS6 से आपको 55-60 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाएगा, वहीं एप्रिलिया SR125 से आपको 45-50 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो एक्टिवा 125 BS6 का टॉप मॉडल जो कि डिलक्स मॉडल है उसकी प्राइस है 74,490 रुपीज़ एक शोरूम पुणे, वहीं एप्रिलिया SR125 की प्राइस है 74,027 रुपीज़ एक शोरूम पुणे। तो यहां आप देख सकते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ प्राइस में डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। एप्रिलिया SR125 थोड़ा सा सस्ता है एक्टिवा 125 BS6 से। अब फाइनल मुद्दे पे आते हैं कि किसके लिए कौन सा स्कूटर बढ़िया है। तो देखिए एक्टिवा उन लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया है जो थोड़े शॉर्ट राइडर्स हैं, जो इनकी हाइट थोड़ी कम है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया है एक्टिवा। और एक्टिवा उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो एक फैमिली मेंबर है, क्योंकि इसमें आपको जो माइलेज है वो काफ़ी बढ़िया मिलता है, 55-60 किलोमीटर तक का माइलेज मिल जाता है। वहीं एप्रिलिया SR125 वो या फिर Storm 125 वो थोड़े टॉल राइडर्स के लिए बढ़िया है, जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है उनके लिए काफ़ी बढ़िया है। और ये स्कूटर उन लोगों के लिए भी बढ़िया है जो यंगस्टर्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो इसका ओवरऑल स्टाइल है वो थोड़ा बढ़िया लगता है मुझे एक्टिवा 125 से। तो यही सब था मेरी तरफ से दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको रेगुलर बाइक अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइज़।